दोनों वहां पर मौजूद हैं जहां पर युद्ध हो रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से आपको मृत्युंजय कुमार दिखाई दे रहे हैं और नीरज जो है बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के मौजूद है। नीरज और मृत्युंजय दोनों से एक सवाल है, शुरुआत नीरज आपसे कर रही हूँ, युद्ध रुकने के आसार है कि नहीं? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल 50वें दिन यही है रूबिका कि क्या युद्ध रुकेगा, कब थमेगा। लेकिन आज जो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी मिली है उससे तो लगता नहीं है कि रुकेगा, क्योंकि अब रूस की जो सीमाएं हैं उनके अंदर भी रूस का दावा है कि यूक्रेन की जो आर्मी है वो साबोटाज कर रही है। जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी बताया कि एक शिप में जो आग लगी है वो भी साबोटाज जैसी ही घटना है। बेलगोरोड में भी जो बॉर्डर एरियाज हैं यूक्रेन से लगे हुए वहाँ पर भी अटैक हो रहे हैं। तो रूस की सेना ने कहा है कि अब वो कीव के उन सेंटर्स पर यानी कि यूक्रेन की राजधानी के उन सेंटर्स पर अटैक कर सकता है जहां से ये पूरा दिमाग चल रहा है, यानी कि प्लानिंग यहां से हो रही है। तो ऐसे में अभी तक कीव पर इतने बड़े अटैक नहीं हुए थे, हमने एक टीवी टावर पर जरूर देखा था लेकिन वाइटल इंस्टॉलेशंस पर अटैक नहीं हुआ था। लेकिन अब रूस ने कह दिया है कि वो कीव पर भी अटैक करेगा अगर यूक्रेन की सेना नहीं मानती है। और दूसरा एक कीव में मौजूद है मृत्युंजय, जरा उनका रुख कर लेते हैं। नीरज बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, कीव में अभी दो दिन से कुछ हालात सामान्य दिख रहे हैं, गाड़ियां दिख रही हैं, महिलाएं वापस आ गई है, अपने घरों को लोग पहुंच गए हैं, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस आ रही है कि कीव पे बड़ा अटैक हो सकता है, क्या आपके पास रिपोर्ट है? रूबिका, निश्चित तौर पर देखिए, आपने पहला सवाल पूछा कि क्या युद्ध रुकने के आसार हैं, बिल्कुल आसार नहीं लगते, बल्कि युद्ध और तीव्र होगा और हो सकता है दोनों देश अपनी रणनीति बदल दें। मैं अगर यूक्रेन की राजधानी कीव में हूँ तो यहाँ की तस्वीर भी दिखाऊं और इसके बारे में बताऊं। देखिए, तैयारियाँ यूक्रेन की सेना ने शहर शहर और जगह जगह कर रखी है। आपको बताएं, यहाँ पर दो प्रकार की धारणा है। एक, लोगों का मानना है कि रूस की सेना पहले यूक्रेन की ताकत को कम करना चाहता था, हथियारों को कम करना चाहता था और डॉनबास इलाके में पूरा वहाँ लड़ाई केंद्रित करना चाहता था और उसे कब्जे में लेना चाहता था। दूसरे लोगों का मत है कि नहीं, रूस वापस लौटेगा और कीव पर हमला करेगा, क्योंकि पिछली बार वो कीव को चारों तरफ से घेर चुका था। सभी के मन में सवाल था कि किस दिन रूस की सेना अंदर दाखिल होगी और हमला करेगी, लेकिन रूस की सेना अंदर दाखिल नहीं हुई। तो लोगों को लगता है कि एक बार फिर से रूस हमला कर सकता है। पर आपको बताएं कि हमने जो तस्वीरें और अपनी रिपोर्ट दिखाई कि लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन लौटने के पीछे एक वजह है। महीने भर बाद लोग लौटे हैं अपने साजो सामान को देखने के लिए और सिर्फ घर के जो पुरुष हैं वो लौटे हुए हैं या फिर युवा लड़के या कुछ महिलाएं लौटी हैं अपने कुछ बचे हुए सामानों को लेने के लिए, और वो अपने सामानों को लेकर वापस लीव जैसे इलाके में जा रहे हैं जो कि पश्चिमी छोर पर आता है। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, नीरज आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ग्राउंड जीरो पर है लेकिन वहां हालात ठीक नहीं है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।